स्टूडेंट, आई एम रेनू श्रीवास्तव फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्टूडेंट, आज से आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज आपका पेपर आने वाला है। सो अब हम आपको रिवीजन करवाएंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, उनका रिवीजन हम करेंगे आज। ओके स्टूडेंट, सो आज आपका हिंदी मैंने उठाया है, हिंदी से कुछ हम एक्सरसाइज करवाएंगे। वो एक्सरसाइज करवाएंगे जिस टाइप की एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आने वाली है। सो आप बच्चे स्कूल तो आ नहीं रहे हो, सो घर पे ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप रिवीजन मैं आपका करवाऊंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम्स के लिए। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे, ताकि आप उसको ईजिली कर लीजिए विदाउट किसी की हेल्प के बगैर। ओके, आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, आपका रिवीजन वर्क हो जाएगा, तो आप अपना पेपर खुद कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की एक्सरसाइज मैंने दी है, आपको करवाई है, वो है आपकी वर्णों को मिलाकर लिखें, वर्णों को जोड़कर लिखें या मिलाकर लिखें आप कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, वर्णों को मिलाकर, मिलाकर लिखें, वर्णों को मिलाकर लिखें। ओके स्टूडेंट, आपको वर्णों को मिलाकर लिखना आपको मैंने सिखाया, मैंने बताया, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैंने दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फा प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ला। ओके, फा प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ला। फिर आपका नेक्स्ट है का प्लस अ की मात्रा प्लस आ। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड कर करके लिखा है, इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़कर हम लिखेंगे, देखते हैं कौन सा शब्द बनता है। ओके स्टूडेंट, आपका हो गया, थर्ड है आपका हा प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस रा। हा प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस रा। ओके, उसके बाद आपका आता है सा प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रा प्लस जा। ओके, सा प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रा प्लस जा। ओके, आपका हो गया फिफ्थ, सा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस मा प्लस ना। ओके, आपका हो गया सा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस मा प्लस ना। अभी इन्हें हम जोड़ के लिखते हैं। फिर आपका आता है का प्लस ए की मात्रा प्लस मा प्लस रा, आपका हो गया। ओके, फिर आपका आता है सा प्लस बड़ी की मात्रा प्लस ता। ओके स्टूडेंट, आपने लिखा, देखा कि इसको भी ये प्लस प्लस करके आपका तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, डिवाइड करके। ओके,
डिवाइड करके लिखा है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, अब इन्हें हम जोड़ के लिखेंगे। जोड़ के लिखने पे आप देखिए कौन सा शब्द बनता है आपका, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है एग्जाम्स में, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है, बिकॉज आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको अपनी मम्मी से, दीदी से, भैया से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना पेपर आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, आप देखो फा प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ला, तो क्या हो गया आपका फूल, क्या बना आपका, कौन सा शब्द बना, फूल, फूल बना, फा बड़े ऊ की मात्रा ला, आपका क्या हो गया, ये फूल हो गया। एंड नेक्स्ट का प्लस ओ की मात्रा प्लस आ, आ, तो आपने इसको जोड़ा, इसको आपने जोड़ के लिखा, तो आपका क्या बना, कौन सा शब्द बना, कौ आ, कौ आ, आपका बन गया कौ आ। एंड नेक्स्ट हा प्लस बड़ी की मात्रा प्लस रा, हा प्लस बड़ी की मात्रा प्लस रा, तो आपका क्या बन गया, हीरा, क्या बन गया, हीरा, ये देखिए आपने लिखा हीरा, हीरा लिखा आपने। ओके, नेक्स्ट है आपका सा प्लस बड़े ऊ की मात्रा, कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा प्लस रा प्लस जा। ओके, सा प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रा प्लस जा, तो आपका क्या बना, कौन सा शब्द बना आपका, आप बताइए मुझे कौन सा शब्द बना आपका, सा प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रा प्लस जा, आपका बना सूरज, क्या बना, सूरज, सूरज, सूरज हो गया आपका। ओके, इसी तरह से इसे भी हम जोड़ के बनाएंगे, इन्हें जोड़ के हम शब्द बनाएंगे। सा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस मा प्लस ना, तो आपका क्या बना, सा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस मा प्लस ना, तो आपका बना सुमन, क्या बना आपका, सुमन, सुमन बना आपका। ओके, का प्लस ए की मात्रा प्लस मा प्लस रा, का प्लस ए की मात्रा प्लस मा प्लस रा, तो आपका क्या बना, कैमरा, क्या बना, कौन सा शब्द बना आपका, बना, ये इसने मिक्स, एक कैमरा, आपका बना कैमरा। ओके, आपने क्या लिखा, कैमरा। नेक्स्ट आपका सा प्लस बड़ी की मात्रा प्लस ता, सा प्लस बड़ी की मात्रा प्लस ता, तो आपका कौन सा शब्द बन रहा है, कौन सा शब्द बन रहा है, सीता, क्या बना आपका, सीता, आपने लिखा सीता। अब देखिए आपने क्या किया, वर्णों को जोड़ करके आपने बनाया ये शब्द बने आपके, ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, निम्न शब्दों पर अ की मात्रा लगाएं, निम्न शब्दों पर आपको क्या करना है, अ की मात्रा लगानी है। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्न शब्दों पर अ की मात्रा लगाएं, निम्न शब्दों पर, निम्न शब्दों पर, निम्न शब्दों पर अ की मात्रा, आपको किसकी मात्रा लगानी है, अ की मात्रा, अ की मात्रा लगाएं।
की मात्रा लगाएं। ओके, निम्न शब्दों पर आपको अ की मात्रा लगानी है। कुछ शब्द दिए हैं जिस पर आपको अ की मात्रा लगानी। अ की मात्रा मैंने बताया था, अ की मात्रा की पहचान भी कराई थी। अ की मात्रा देखिए, एक ऐसी ही एक लाइन होगी स्टेट, उसके ऊपर दो ऐसी और लाइनें होंगी। ओके, तो ये आपकी अ की मात्रा है। आपका आएगा एक्सरसाइज होगी का, फिर यहां पे होगा आपका आ। ये आपका जो प्लेस है वो खाली होगा, यहां पर आपको क्या करना होगा, अ की मात्रा लगानी होगी। ओके, कौन सी मात्रा लगानी है आपको, अ की मात्रा। एंड नेक्स्ट मा सा, ये प्लेस आपका खाली होगा। ओके, ये प्लेस आपका खाली होगा। फिर आपको आएगा मा सी, मा सी आपने लिखा मा सी। अभी आपको इसमें फिल करना होगा, अ की मात्रा लगा करके शब्द को पूरा करना होगा। और फिर आपका आता है च का, च का। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका म म का, म का। ओके, म का। फिर आपका आता है फा जी, फा जी। एंड आपका है ला ला की, ला ला की। और आपका आता है, आपका हा था नहीं, चलिए मैं लिखती हूं आ र ता। ओके, आ र ता आपने लिखा। अभी हमें करना क्या है इस पे, हमें क्या करना है बताइए आप, ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको करना क्या है, निम्न शब्दों पर अ की मात्रा लगाएं। इन शब्दों पर क्या करना है, अ की मात्रा लगानी है हमें। किसकी मात्रा लगानी है, अ की मात्रा। ये प्लेस आपका खाली है तो आपने यहां पर मात्रा लगाई, किसकी मात्रा लगाई, अ की मात्रा लगाई, अ की मात्रा। देखिए आपने ऐसे अ की मात्रा लगाई तो आपका ये हो गया क आ। फिर आपका है म सा, अभी क्या लिखा है आपका म और सा, आपने इस पर अ की मात्रा लगाई, ऐसे अ की मात्रा लगाई तो आपका हो गया ये मौसा। क्या हो गया आपका, मौसा। फिर आपका है ये मा, मा है मा सी लिखा है, आपको इस पे लगाना है अ की मात्रा। और जब आपने इस पे अ की मात्रा लगाई तो आपका ये क्या बन गया, मौसी। क्या हो गया, मौसी। फिर चा है आपका, चा पे आपने अ की मात्रा लगाई तो आपका हो गया चौका। क्या हो गया, चौका। मा है, ये प्लेस आपका खाली है, का है। ओके, तो आपने यहां पे लगाई अ की मात्रा। कौन सी मात्रा आपने लगाई, अ की मात्रा। तो आपका बन गया मौका। क्या बन गया, मौका बन गया आपका। उसके बाद आपका है फा जी, फा जी, और ये आपका खाली है। यहां पे आप कौन सी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा। ये देखिए ऐसे लगाई आपने, आपने इस पे लगाई ओ की मात्रा, तो आपका क्या बन गया, फौजी। क्या बन गया, फौजी बन गया। ला है और ये आपका प्लेस खाली है। और उसके बाद है का, का पे बड़ी की मात्रा लकी, अभी तो आपका क्या बना है, लकी, लेकिन हमें इस पे अ की मात्रा लगानी है। अ की मात्रा लगाकर हमने बनाया लौ की, आपका हो गया लौ की। आर
रात, आ रात। तो आपको कौन सी मात्रा लगानी है? अ की मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा लगानी है? अ की मात्रा, जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा औरत। आपका हो गया औरत। ओके स्टूडेंट, ये मैंने जो दो टाइप की आपको एक्सरसाइज बताई है, उसी टाइप की एक्सरसाइज आपके एग्जाम्स में आएगी। तो आज का आपका ये रिवीजन हो गया। ओके, ये जो जिस टाइप की एक्सरसाइज मैंने कराई है, इस तरीके की एक्सरसाइज आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे और सारे वर्ड लेकर के। मैंने तो इतना ही बताया आपको, 8 आवर वर्ड लेकर के आप उस पर औ की मात्रा लगाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, ये आपका रिविजन वर्क था। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।